हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सूट के बैक साइड में ज़िप किस तरीके से लगाएं। तो जिस तरीके से नॉर्मली मैंने सूट का बैक पार्ट ले लिया है, नेक की कटिंग कर ली है और नेक की गहराई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7.5 इंच लिया हुआ है, गले की गहराई 7.5 इंच ले लिया है। और उसके बाद अब हमें देखना है ज़िप जो है, ज़िप की लेंथ हमें कितनी रखनी है। तो यहाँ पर जो ज़िप की जो तैयार लेंथ आएगी वो 7.5 इंच आएगी, 7.5 इंच, ऊपर से 1/2 इंच ज़्यादा रहेगा जो सिलाई में बाद में चला जाएगा जब गले की तुरपाई वगैरह हो जाएगी तब। तो हमें निशान 7.5 इंच पे ही लगाना होगा। ज़िप की लंबाई जो है वो 9 इंच है। देखिए, ऊपर से 1 इंच नीचे से सिलाई में चला जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, तो 7.5 इंच हमें लेना होगा। तो अब मैं 7.5 इंच पे निशान लगा दे रही हूँ। 7 इंच हमारा रेडी आ जाएगा ज़िप का निशान, लंबाई जो है पूरा। तो ये हमने निशान लगा लिया है और इस तरीके से पूरे में एकदम मिड निशान लगा लूँगी ऊपर तक। ये इस तरीके से हो गया और नीचे का भी जो मेन है उस पर भी निशान लगा लिया हमने। और ये एक मैंने फैब्रिक ले लिया है, इसकी चौड़ाई 3 इंच है, बुकरम मैंने इस पर पेस्ट कर लिया है, लंबाई 10 इंच है, हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे। देखिए यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पर हमने निशान लगाया, एक्स्ट्रा फैब्रिक में कट कर दे रही हूँ नीचे से 1 इंच के करीब। तो यहाँ पे 9 इंच हम इसे रहने देंगे। कटिंग कर लिया है, अब इसको एकदम मिड में से फोल्ड कर लेती हूँ। इस तरीके से मार्क बना लेंगे बिल्कुल कि मिड का निशान पता चले। ये देखिए इस तरीके से रखते हुए, तो ये निशान लगा लिया है हमने। और इस पे भी मैं बैक वाला जो डिज़ाइन हमने बनाया है नेक का, उस पे भी मैं ऐसे निशान लगा ले रही हूँ, मार्क कर ले रही हूँ ताकि हमें मिड वाला पार्ट पता चले। और ये बुकरम वाले फैब्रिक पे हमें तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है, फोल्ड करते हुए, सिंगल फोल्ड करते हुए सिलाई लगाना है। ये देखिए इस तरीके से इस साइड से भी कर लेंगे और नीचे वाली साइड से भी फोल्ड लगा लेंगे ऐसे फोल्ड करते हुए। तो तीनों किनारे से हमने सिलाई लगा दी है और जो हमने मिड में जो निशान लगाया था, मार्क करा था, उसको मैं चौक से निशान बना दे रही हूँ। और 1/2 इंच से कम का गैप देते हुए हमें दोनों साइड से सिलाई लगाना है। तो सिलाई देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे। ये देखिए सूट का फ्रंट वाला जो पार्ट है, सीधा वाला पार्ट है, ऊपर की साइड रखना है हमें। और इसमें भी एक छोटा सा कट लगा लेंगे, जिसे हमने नेक में कट लगाया था बिल्कुल बीच में, वैसे ही इस पर भी कट लगाएंगे। ये देखिए, और अब हमें इसको मिला के बिल्कुल इस तरीके से रख लेना है और इसको पिनअप कर लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए, ताकि बिल्कुल इधर उधर ना हो, पिनअप कर लेने से ही सही रहेगा, एकदम सीधी स्टिचिंग होगी, ज़िप टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी। तो 1/2 इंच से भी कम का गैप देते हुए जो हमने मार्क करा है बीच में, उसके दोनों साइड पे हमें निशान लगाना है। और ये देखिए 7.5 इंच पे मैं इस पर भी निशान लगा ले रही हूँ, जैसे हमने फैब्रिक पे लगाया था, सूट वाले पे लगाया था, बिल्कुल वैसे ही इस पट्टी पे भी हमने लगा लिया है। और देखिए इतना इतने का गैप देते हुए, 1/2 इंच से भी कम का गैप देते हुए दोनों साइड से सिलाई लगानी है हमें। तो इसको सिल लेते हैं। इसको सिल लेने के बाद मैं एक बार आपको दिखा दूंगी कैसी सिलाई लगी है। इस तरीके से घुमाते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच से भी कम का गैप होना चाहिए कुल मिला के दोनों के बीच में। तो मैं इसको उल्टे वाले साइड से मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इतने का गैप है दोनों के बीच में। तो अब हमें इसको कट लगा लेंगे और ऐसे कट लगाएंगे कि दोनों साइड से जो सिलाई वाला पार्ट है वो ना कट पाए हमने, क्योंकि इतना गैप तो छोड़ा ही हुआ है। तो इस तरीके से हमें इस पर कट लगा लेना है। ये देखिए ये हो गया। और अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे, पीछे की साइड पलट लेंगे और बहुत ही ईजीली, बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये पलट जाएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। और जब आप पलटें इसको, देखिए अगर प्रॉब्लम आए, अगर किनारे से कुछ खिंच रहा है, तो इस तरीके से दोनों साइड से हल्का हल्का आप कट लगा दें ताकि कोई दिक्कत ना हो। कट लगाते समय ध्यान देना है कि जहाँ पे आपने सिलाई लगाई है वो वाला पार्ट ना कटे। ये देखिए
फोल्ड करने के बाद इस तरीके से नज़र आएगा। अभी हमने इस पर आयरन भी नहीं किया, कुछ नहीं करा है, और फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया हुआ है। और अब हमें इस पर ज़िप की सिलाई लगानी है, तो वो ज़िप का देख लेते हैं किस तरीके से लगाना है। हमें सिंगल बूट का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। उल्टा वाला साइड हमने ऊपर की साइड ही रखा है, अब हमें ज़िप वाला पार्ट लेना है ज़िप को लेकर, और उल्टे वाले साइड को ऊपर की साइड हमें रखना है। ये देखिए इस तरीके से ज़िप है, पूरा खोल लेना है और उल्टा वाला साइड ऊपर की साइड रखना है हमें, ऐसे आएगा। तो ये उल्टा वाला साइड इस तरीके से रखेंगे, किनारे से मिला दो, जहाँ से हमने किनारे की सिलाई नज़र आ रही है ये चीज़, इसके बिल्कुल ऐसे पास रखना है हमें। और पहले हमें दूर से यहाँ से सिलाई लगानी है, एकदम अंदर से नहीं लगानी, और नीचे तक हमें लगानी है। देखिए ज़िप के बिल्कुल साइड साइड से हमें सिलाई लगाना है, ये देखिए यहाँ से। और इसमें मैंने सिंगल बूट का इस्तेमाल किया हुआ है, देख सकते हैं आप इतनी दूरी से मैं अभी लगा रही हूँ। यहाँ पर आप डबल बूट से स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग नहीं हो पाएगी, सिंगल बूट आपको लगाना ही पड़ेगा अगर फिनिशिंग चाहिए तो सिंगल बूट का ही यूज़ करना होगा। और ये देखिए बिल्कुल सीधा ऐसे रखते हुए कोई दिक्कत नहीं होगी, एंड तक सिलते चले जाना है। और ऐसे ही बिल्कुल दूसरी साइड भी हमें सिलाई लगा लेना है, इसको भी ऐसे रखना है किनारी से मिलाते हुए। ये देखिए इस तरीके से आ गया यहाँ पर, और इसको भी ऐसे ही रख लेना है इतनी दूरी पे किनारी से मिलाते हुए, और इसकी भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ज़िप पे हमने सिंगल सिलाई लगा ली है इस तरीके से नज़र आ रहा है, और अब हमें बिल्कुल इसके किनारे किनारे से मिलाते हुए ज़िप के एकदम पास से हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर सिंगल बूट का सही इस्तेमाल अब होगा, क्योंकि आप डबल बूट से सिलाई लगाओगे तो इस पर सिलाई नहीं लग पाएगा, ज़िप के ऊपर सिलाई लग जाएगी। तो जब भी आप ऐसे गुम ज़िप लगाएँ बैक साइड में सूट के, तो आप सिंगल बूट का ही यूज़ करें। तो ये देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, अब बिल्कुल किनारी पे, जैसे आप इसके एकदम किनारे से बिल्कुल मिलाते हुए सिलते जाना है आपको, और ये खुद ही खुलता जाएगा ऐसे ही, देखिए खुद ही खुलता जाएगा इस तरीके से, और पूरा एंड तक हमें सिलाई लगा देना है। ये देखिए बिल्कुल किनारी में सिलाई लग गई, ये खुद ही खुलता जाता है, और पूरा एंड तक आपको ऐसे सिंपल सिलाई लगाते जाना जैसे हमने पहले लगाया था। अब ये ज़िप वाले पार्ट को मैं ऊपर की साइड खींच लूँगी, अब इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा देंगे बिल्कुल एंड तक, और एकदम सीधी सीधी हमें ऐसे ही बिल्कुल सिलाई लगाते चले जाना है। ये देखिए ऐसे, और ऐसे ही सेम एज इट इज़ हमें इसके दूसरे साइड लगाना है, बिल्कुल सीधा सिलाई लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक साइड आप इसका देख सकते हैं बिल्कुल अंदर की साइड हो गया है, ये देखिए ऐसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, और जब ज़िप लग जाएगा तो बिल्कुल वो भी नज़र नहीं आएगा, बस ये पता चलेगा कि ज़िप यहाँ पे लगी हुई है और ज़िप नज़र नहीं आएगी। तो बिल्कुल इसके साइड भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा लेना है, तो मैंने लगा लिया इसको भी। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ज़िप लगाने का तरीका बता दिया है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा एक एक स्टेप। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है, ये इसका बिल्कुल फाइनल लुक। और जितनी आपकी ज़िप लंबी जितना आप रखना चाहें अपने अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। और देखिए नीचे से इसको सिल लेंगे हम, इस वाले पार्ट पे भी हम सिलाई लगा देंगे। आपके ज़िप की जितनी भी लेंथ हो आप ऊपर भी हाफ इंच एक्स्ट्रा रखें और नीचे भी एक से डेढ़ इंच एक्स्ट्रा रखें, बस इस बात का आप ध्यान रखें, और मेथड आपको यही यूज़ करना है, बहुत ही आसान है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।